महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता कभी भी फिसल सकती है। सियासी घमासान के बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा और गंभीर आरोप लगा दिया है। राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री शरद पवार को धमका रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए राउत बोले कि पवार साहब को एक केंद्रीय मंत्री धमकियां दे रहा है, कह रहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार रहे या नहीं, हम शरद पवार को घर नहीं जाने देंगे। धमकियां देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को, अगर ये सरकार को बचाए गए तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी, क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है? वहीं संजय राउत के बयान पर केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता राव साहेब दानवे ने पलटवार किया। बीजेपी नेता राव साहेब दानवे ने कहा कि किसी केंद्रीय मंत्री ने कोई धमकी नहीं दी, न ही बीजेपी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। भाजपा वेट एंड वॉच की भूमिका में है, हम उनके चक्कर में आज नहीं है, लेकिन लोकशाही में जो होता है वो देखेंगे आगे क्या होता है। लोकल मिनिस्टर धमकी देने वाला नहीं है, हम धमकी देंगे भी नहीं है, उनका अंदरूनी मामला है। संजय राउत ने कहा कि शिंदे के पास संख्या बल कागज में ज्यादा हो सकता है, लेकिन अब ये लड़ाई कानूनी लड़ाई होगी। देखिए, संख्या बल ज्यादा हो सकता है कागज पे, अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। संजय राउत ने धमकी भरे लहजे में कहा कि शिवसेना के कार्यकर्ता अभी सड़कों पर नहीं उतरे हैं। इस तरह की लड़ाई या तो कानून के जरिए लड़ी जाती है या सड़कों पर। रास्ते की लड़ाई रास्ते पर सड़क पर हो सकती है, हो जाएगी, अब तक शिवसैनिक सड़क पर नहीं उतरे हैं। चाहे कितने भी लोगों को आप खरीद लो, दबाव डालो, लेकिन कानून की लड़ाई, कागज की लड़ाई और सड़क की लड़ाई, दोनों में हम जीत जाएंगे।